हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी अच्छे। और आज मैं अभी से मेरा वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं करूँगी, छोटा सा वीडियो आप लोग सब शेयर करना है। मैं तो पहले, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे नहीं, मेरा घर खरीदने के बाद मेरा थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है खेती बाड़ी करने के, और आज वही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैंने आज पालक और क्या बोलते हैं, मटर और धनिया, ये तीन, आज ये तीनों चीज़ ही एक साथ दिखाऊंगी कैसे मैं मेरा स्टाइल में, मैं होममेड में कैसे बहुत जल्दी ग्रो करती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है कैसे करना होता है, और बहुत जल्दी होने के लिए तो कैसे करना पड़ता है। लेकिन धनिया तो बहुत टाइम लेता है ना, धनिया मटर ये होने में बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए मैं मेरा स्टाइल में मैं कैसे ग्रो करती हूँ और बहुत इजी और बहुत क्विकली। वीडियो को एक साथ नहीं बनाया, मैंने वीडियो को थोड़ा बहुत एक दो दिन, दो तीन दिन करके मैंने बनाया वीडियो को, थोड़ा थोड़ा करके, तो इसलिए मेरा टाइम नहीं मिलते थे। तो आज मैंने इसमें थोड़ा सा शेयर भी कर लेते आप लोगों के साथ, मैं कैसे ग्रो करती हूँ और कितना इजी और क्विक, कितना अच्छे से होता है। तो वही छोटा सा शेयर करेंगे। और आप लोग तो जानते ही है, मेरा हस्बैंड खेती बाड़ी करने में कुछ भी हेल्प नहीं करता है। थोड़ा बहुत पहले जो खुदाई करना होता है ना, वो थोड़ा बहुत कर देता है, लेकिन और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो इसलिए, और इस बार और अच्छा नहीं लग रहा है करने के लिए, और मन भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ ना। वो मेरा बेटी को लेके वो बहुत ही ज़्यादा तंग करती है मुझे, तो इसलिए इस बार अच्छे से सब्जी नहीं लगाया। थोड़ा बहुत वही मेथी मैंने तो दिखाया था आप लोगों के साथ, और अभी मटर, पालक और धनिया मैं कैसे ग्रो किया है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत जल्दी होता है, सच में बहुत जल्दी होता है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए। जो लोग जानते हैं तो ठीक है, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं लेकिन कैसे क्विक ग्रो करना होता है वो नहीं जानते, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, और बाहर चलती हूँ और आप लोगों के साथ छोटा सा शेयर करती हूँ, और फिर आप लोगों से आके बात करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने मटर को धूपने दिया था, तो मेरे पास इतना ही था, पिछले बार मैंने जो ग्रो किया था ना उससे इतना ही निकले थे, तो इतना ही है और ज़्यादा नहीं है, तो जितना ही है वही करना पड़ेगा, क्या कह रहे, तो इतना ही था। और इसको इसलिए धूप में देना है, तो बहुत दिन रखे थे ना, तो थोड़ा सा धूप में डाल के फिर शाम को, और जब ठंडा हो जाता है, देखिए मैंने इसको पानी में भिगो के रख दी, तो पानी में मैंने भिगा के एक दिन के लिए पानी में छोड़ देंगे। और यहाँ पे ये है पालक, और पालक को भी मैंने धूप में डाला था, मतलब जितना सारा है पालक और मटर सब धूप में डाल के, हाँ जितना सारा सीड रहता है ना, तो घर में रहते रहते उसका थोड़ा सा धूप में डालने से अच्छा होता है, तो जल्दी जल्दी ग्रो होता है तो अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने धूप में सारे सीड को मैंने पहले धूप में, पहले मैं नहीं देती थी, मुझे पता नहीं था, तो मैं अभी धूप में दे के फिर उसको दिन भर धूप में डालती हूँ, फिर शाम को जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना तब उसको पानी में भिगाना है। तो देखिए मैंने पानी में पालक और मटर को तो मैंने भिगा ही दिया है, और मेरे पास ये धनिया, अभी ये पालक को रख के फिर अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना सा मेरे पास धनिया था तो धूप में डाला था, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक पत्थर था तो इसको ऐसे घिसना है, बहुत जोर से नहीं घिसना है, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा सा हल्का सा घिसना है, इसलिए जो धनिया होता है ना, तो धनिया को दो दो भाग करना है, तो इसलिए ज़्यादा घिसने से धनिया टूट जाएगा तो धनिया नहीं होगा, तो उससे सिर्फ दो ही भाग करना है, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा सा देखिए इधर ऐसे दो दो हो रहा है ना, तो इसलिए घिसना है, जल्दी जल्दी होता है, और एक है ना, मतलब एक धनिया से दो पेड़ होगा, दो भाग हो जाता है ना, तो इसलिए एक धनिया से दो पेड़ होता है, थोड़ा सा धनिया से भी बहुत सारे होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको घिस के दो दो कर दिया, तो फिर उसको पानी में ऐसे भिगो के रखना है। फिर मैं आज मैं
अभी ऑलमोस्ट शाम होने वाला है, तो शाम को मैंने पालक मटर और धनिया को मैं भिगा दिया, तो उसको पानी से निकाल लूँगी। सुबह निकाल के देखिए, मैंने 2 दिन बाद मैंने दिखा रही हूँ, 2 दिन बाद देखिए कितना अच्छे से मटर से निकल गया। तो ये मैंने मिट्टी भी मैंने खुदाई कर लिया है, और ये देखिए तो इधर धनिया से भी निकल गया। धनिया बहुत टाइम लेता है ना, तो सिर्फ पानी से निकाल के रखना है। मैंने ऐसे रख के मेरा गैरेज स्टोर में रख दिया था। 3-4 दिन बाद ऐसे देखिए धनिया से कितना अच्छे से पेड़ निकल गया। तो ये मिट्टी में मैंने जब दिया था तब मैंने वीडियो नहीं कर पाए, तो मेरा बेटी बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, और इसलिए मैं बाद में दिखा रही हूँ। ये देखिए 10 दिन बाद कितना अच्छा हुआ है, और कितना ज़्यादा हुआ है धनिया। देखिए इतना सारा जगह हुआ है पूरा धनिया, और देख ही पा रहे आप लोग बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए दो दो करके धनिया को 2 टुकड़ा करने से तो बहुत ज़्यादा धनिया होता है, थोड़ा सा धनिया से भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी होता है। और यहाँ पे मटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, देख ही पा रहे। ये देखिए मटर, मटर का हाल ख़राब है, बारिश हुआ था ना, तो इसलिए मटर भी, तो ये देखिए कैसे हुआ है, तो अच्छा नहीं हुआ। तो 10 दिन हो गया, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो मटर ऐसे हुआ है, तो जैसे हुआ है हुआ है, तो देखती हूँ बाद में थोड़ी दिन और 10 दिन बाद क्या होता है इसका हाल, फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी 10 दिन बाद क्या होता है। और तो मेरा पालक भी मैंने दिया था, तो अभी चलिए पालक दिखाती हूँ। पालक का हाल बहुत ख़राब है, तो ये देखिए पालक पता ही नहीं चल रहा है। इसके बाद पालक सबसे जल्दी होना चाहिए था, तो पालक क्या हुआ ना, पालक की देखिए सबसे बेकार हो गया, इसलिए बारिश हुआ था ना, तो इसलिए देखिए। तो अभी यहाँ पे देखिए 15 डेज पहले आप लोगों को 10 दिन पहले दिखाए थे, तो आज है 20 डेज बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ मेरा पालक और मटर यहाँ पे है। देखिए कितना अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है मेरा मटर, देखिए कितना अच्छा हुआ है। और इधर है पालक, और यहाँ पे है मटर, और यहाँ पे है धनिया। तो आप लोगों को मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और तो चलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ कितना अच्छा हुआ है। यहाँ पे देखिए मेरा कितना अच्छा हुआ है ना धनिया, तो धनिया मैंने कितना सा डाले डाले थे, लेकिन कितना अच्छा हुआ है। और देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मैंने ज़्यादा डाले थे, तो इसलिए एक साथ बहुत हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अभी अभी खाने का लायक नहीं हुआ है, लेकिन देखिए कितना अच्छा हुआ है, इतना सा मेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इतना सा ही डाले थे। और यहाँ पे है मटर, मटर भी, मटर इतना अच्छा नहीं हुआ है, देख ही पा रहे कितना छोटा छोटा, मतलब मटर इतना अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी ठीक है। इतना सा मटर लगाया और बारिश हुआ है ना, तो इसलिए खराब हो गया, अच्छे से नहीं हुआ ना, अच्छा होता। तो ये मटर हुआ है इतना सा, और मेरा पालक तो पहले का हाल अच्छा नहीं था, अभी थोड़ा बहुत फिर भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये देखिए अभी इतना सा हो गया है। तो इतना सा मैंने पालक लगाया, इधर से थोड़ा सा उठाना है, उठा के फिर इसको ज़्यादा हो गया ना पास पास, तो इसलिए उठा देना है, उठा के थोड़ा सा क्लियर कर देना है, तो अच्छा होगा। इतना सा है मेरा, इतना सा है मेरा पालक, और यहाँ पे मटर इतना सा हुआ है, तो और यहाँ पे धनिया। छोटा सा आप लोगों से शेयर, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और आप लोग तो जानते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो क्या करना है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।